मैं आज भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपको आम आदमी पार्टी से नफरत है? आपको हमसे नफरत है, आपको अरविंद केजरीवाल जी से नफरत है, लेकिन आपकी नफरत अब इतनी आगे पहुंच गई है कि आपको दिल्ली की महिलाओं से नफरत हो गई है। बस में तो सीसीटीवी कैमरा लग ही गया, बस में तो पैनिक बटन लग ही गया। मैं उन सब अफसरों से कहना चाहूंगी कि आप तो खुद शोफर ड्रिवन गाड़ियों में चलते हैं, आपको अंदाजा नहीं है कि दिल्ली की लड़कियों को और दिल्ली की महिलाओं को किस तरह के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। क्या करेगा सीसीटीवी कैमरा? सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से कोई सुपरमैन कूद के आ जाएगा क्या बस में उस व्यवहार को रोकने के लिए? क्या सीसीटीवी कैमरा एक बस मार्शल को, एक सिविल डिफेंस वॉलंटियर को रिप्लेस कर सकता है? ये सबको पता है कि बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन इस प्रकार की घटिया राजनीति, इस प्रकार की गंदी राजनीति कि आप अफसरों को डराकर, अफसरों को धमकाकर अरविंद केजरीवाल के काम रोक रहे हैं, युवाओं की नौकरी छीन रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा छीन रहे हैं, इस प्रकार की गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी को बंद करनी चाहिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। अध्यक्ष महोदया, आज मैं सिर्फ एक विधायक होने के नाते नहीं, एक मंत्री होने के नाते नहीं, बल्कि दिल्ली में पैदा हुई, दिल्ली में पढ़ी लिखी, दिल्ली में काम की एक महिला के नाते होने भी नाते से भी बोल रही हूँ। यहाँ पे हमारे सिविल डिफेंस के कई साथी भी मौजूद हैं, हमारे विधायक साथी भी मौजूद हैं, बहुत सारे अफसर भी मौजूद हैं। मैं आज इन सबको बताना चाहती हूँ कि आज से नहीं, दशकों से दिल्ली की बसों में महिलाओं का क्या एक्सपीरियंस होता है। चाहे एक बच्ची हो जो स्कूल जा रही हो डीटीसी बस के माध्यम से, चाहे एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की हो जो कॉलेज जा रही हो, चाहे एक कामकाजी महिला हो, एक महिला के लिए दिल्ली में दशकों से डीटीसी में सफ़र करना किसी महाभारत से कम नहीं रहा है। एक भरी हुई डीटीसी बस में वो चढ़ती हैं, वहाँ पे जो पुरुष हैं अलग अलग उम्र के भद्दे भद्दे कमेंट्स करते हैं, गलत निगाह से देखते हैं, अश्लील व्यवहार करते हैं। कोई भी महिला डीटीसी बस में सिर्फ मजबूरी के कारण जाती थी। जिसकी स्कूल की बस नहीं होती थी, जिसका कॉलेज घर से दूर होता था, माता पिता भी ये कहते थे कि दूर के कॉलेज में मत एडमिशन लो, किस तरह का दुर्व्यवहार बसेस में होता है। मैं तो अपने आप को फॉर्चुनेट मानती हूँ, लकी मानती हूँ कि मैंने जिस स्कूल से पढ़ाई की, हमारी स्कूल की अपनी बस होती थी। मैंने जिस कॉलेज से पढ़ाई की, वो मेरे घर के पास होता था तो पैदल जाती थी कॉलेज। लेकिन दिल्ली की ज़्यादातर महिलाएं, दिल्ली की ज़्यादातर लड़कियां इतनी फॉर्चुनेट नहीं होती हैं। उन्हें डीटीसी बसों में स्कूल जाना पड़ता है, उन्हें डीटीसी बसों के माध्यम से कॉलेज जाना पड़ता है, उन्हें डीटीसी बसों के माध्यम से फैक्ट्री में, ऑफिस में, दुकानों में काम करने के लिए जाना पड़ता है। अध्यक्ष महोदया, इतने सालों से दिल्ली की महिलाएं इस समस्या का सामना करती आई, सरकारें आईं सरकारें गईं, पार्टियां आईं पार्टियां गईं, लेकिन किसी ने भी दिल्ली की लड़कियों के बारे में, दिल्ली की महिलाओं के बारे में नहीं सोचा। अध्यक्ष महोदया, दिल्ली वालों का सौभाग्य है कि 2015 में दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल जी जैसा मुख्यमंत्री मिला। ये दिल्ली की लड़कियों का, दिल्ली की महिलाओं का सौभाग्य है कि उन्हें एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला जिन्होंने दिल्ली की सरकार को, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपने परिवार की तरह चलाया है। एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला जो सिर्फ जिस तरह से अपने घर की बेटी, जिस तरह से अपनी बेटी अपनी बहन की चिंता करता है, उस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की हर लड़की की चिंता करी, हर महिला की चिंता करी, एक भाई के तौर पे, एक बड़े बेटे के तौर पे। और वहीं से शुरुआत हुई इस बस मार्शल्स की योजना की। मैं कई बार ऐसे सोचती हूँ कि ये समस्या तो दशकों से चलती आ रही थी, लेकिन 2015 में अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले आज तक किसी ने समाधान के बारे में सोचा क्यों नहीं था? इतनी सिंपल सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति उस बस में मौजूद हो जहां पर एक महिला के साथ, एक लड़की के साथ अश्लील व्यवहार हो रहा है, तो वो वहीं पर उसी समय उस अश्लील व्यवहार को रोक सकता है, बस के माहौल को ठीक कर सकता है। और मुझे खुशी है इस बात की
कि 2015 से ही, जब से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, तब से इस बस मार्शल स्कीम को लागू किया गया। इसमें कई उतार चढ़ाव आए कि जी होमगार्ड को रखना है, सिविल डिफेंस को रखना है, जितने होमगार्ड रखिए वो हम रिक्रूट नहीं कर पाए, सिविल डिफेंस को रखिए, आधे आधे रखिए। लेकिन क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की लड़कियों की, दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा की और सम्मान की चिंता थी, हर बार जब इस काम को रोकने की कोशिश हुई, अरविंद केजरीवाल जी ने इसका कोई समाधान निकाला कि दिल्ली की बसों में बार मार्शल बने रहे। ये स्कीम लगातार चलती रही 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। जनवरी 2023 से कुछ अजब हुआ कि वही अफसर जिन्होंने स्कीम की शुरुआत करी, वही अफसर जो इसके लिए पैसा रिलीज करते आए हैं, वही अफसर जो महीने दर महीने बस मार्शल्स को, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को तनख्वाह देते आए हैं, वही अफसर जो इन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बस मार्शल बनने के लिए रिक्रूट करते हुए आए हैं सालों से, वही अफसर फाइलों पे ऑब्जेक्शन लगवाने लग गए। कभी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सवाल उठाए, उन्होंने पूछा जी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को कैसे रख सकते हैं आप बस मार्शल्स के लिए। कभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, जिन्होंने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को खुद रिक्रूट किया, खुद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास भेजा, उन्होंने सवाल उठाए कि जी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बस मार्शल्स के तौर पे कैसे रखा जा सकता है। कभी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने, जो इतने सालों से उनको तनख्वाह देते हुए आ रहे हैं, कहने लगे जी बस मार्शल की जरूरत भी है कि नहीं, बस में तो CCTV कैमरा लग ही गया, बस में तो पैनिक बटन लग ही गया। मैं उन सब अफसरों से कहना चाहूंगी कि आप तो खुद शोफर ड्रिवन गाड़ियों में चलते हैं, आपको अंदाजा नहीं है कि दिल्ली की लड़कियों को और दिल्ली की महिलाओं को किस तरह के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। बसों क्या करेगा CCTV कैमरा? CCTV कैमरा के माध्यम से कोई सुपरमैन कूद के आ जाएगा क्या बस में उस व्यवहार को रोकने के लिए? CCTV कैमरा तो जब कोई जुर्म हो गया, जब कोई दुर्व्यवहार हो गया, फिर कोई FIR करने जाए, पुलिस स्टेशन के धक्के खाए, तब तो CCTV कैमरा की फुटेज मांगी जाती है। क्या CCTV कैमरा एक बस मार्शल को, एक सिविल डिफेंस वॉलंटियर को रिप्लेस कर सकता है? ये सबको पता है कि बिल्कुल नहीं कर सकता। आज यहाँ पे अनेकों सिविल डिफेंस वॉलंटियर मौजूद हैं जिन्होंने बस मार्शल के तौर पे काम किया। मैं इन सबको सलाम करती हूँ कि पिछले 9 साल से लगातार ये दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान के साथ बस में सफर करने का मौका दे रहे हैं। इतने इंसिडेंट्स हुए, एक बस में किसी एक बच्चे को किडनैप करने की कोशिश करी, वहां पे एक सिविल डिफेंस वॉलंटियर बस मार्शल के तौर पे मौजूद था, उसने देखा कि एक छोटी सी बच्ची को घसीट के लेके जा रहे हैं, उसने बस वहां रुकवाई और वो पीछे पीछे भागता हुआ गया देखने के लिए कि वास्तविक तौर पे जो व्यक्ति उस 4 साल की बच्ची को लेके जा रहे हैं वो उसके घर वाले हैं कि नहीं। उसने वहीं पर इंटरवीन किया, वहीं उसको रोका और इस 4 साल की बच्ची को किडनैप होने से रोका। ये काम किया है सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने हमारी बसों में। जब महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार होता है, वहीं पर उस मौके पर वो लोग बस को रोकते हैं, उन लोगों को, अश्लील व्यवहार करने वालों को बस से बाहर करते हैं। इस बात को समझिए, और मुझे लगता है ये बात सभी दिल्ली वालों को समझनी चाहिए कि इन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने बस मार्शल बनके दिल्ली की महिलाओं को ना सिर्फ सुरक्षित सफर करने का मौका दिया, बल्कि सम्मान के साथ, अपने आत्मसम्मान को इंटैक्ट रखते हुए, अपनी डिग्निटी को इंटैक्ट रखते हुए सफर करने का मौका दिया। 2023 की जनवरी से बार बार सवाल उठे कि जी सिविल ये बस मार्शल्स को रखना है कि नहीं, CCTV कैमरा काफी है, पैनिक बटन काफी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी और इस सदन के माध्यम से सभी दिल्ली वासियों को बताना चाहूंगी कि जब अलग अलग विभाग के अफसरों ने ये सवाल उठाने शुरू किए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हाँ मुझे पता है पैनिक बटन है, हाँ मुझे पता है कि CCTV कैमरा है, लेकिन अगर हम इस देश के प्रधानमंत्री को 12 लेयर सिक्योरिटी दे सकते हैं, अगर हम एक मुख्यमंत्री को 5 लेयर सिक्योरिटी दे सकते हैं, तो क्या मैं अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को 3 लेयर सिक्योरिटी नहीं दे सकता? हाँ मैं CCTV कैमरा लगवाऊंगा, हाँ मैं पैनिक बटन लगवाऊंगा और उसमें उसके साथ साथ बस मार्शल्स भी रखवाऊंगा कि हमारी दिल्ली की बेटियां, हमारी बहनें बसों में सुरक्षित रहें। हमारे
कैबिनेट साथी कैलाश जी, उन्होंने आदेश दिया ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कि बस मार्शल्स को कंटिन्यू किया जाएगा। मैंने बतौर फाइनेंस मिनिस्टर आदेश दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट को कि उनकी तनख्वाह को रिलीज किया जाए। बार बार आदेश देने के बावजूद भी उनकी तनख्वाह को रिलीज नहीं किया गया और बार बार ऑब्जेक्शन लगाए गए। 25 सितंबर को कैलाश गहलोत जी ने सीसीटीवी और पैनिक बटन वाले मुद्दे पे बहुत क्लियर कट डायरेक्शन दी कि पैनिक बटन होने के बावजूद, सीसीटीवी कैमरा होने के बावजूद, ये सरकार का निर्णय है कि हम रखेंगे बस मार्शल। जितने पैसे की जरूरत हो महिलाओं को एक सुरक्षित सफर देने के लिए, उसका प्रावधान दिल्ली सरकार करेगी। लेकिन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के आदेश के बावजूद, मेरे बतौर रेवेन्यू मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर के आदेश के बावजूद, 31 अक्टूबर को रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने आदेश दे दिए कि सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को हटा दिया जाए, उनको घर भेज दिया जाए। 31 अक्टूबर को ये ऑर्डर आया रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। उसके तुरंत बाद 1 नवंबर को मैंने फिर से डायरेक्शन दी। मैंने कहा कि जो आपकी बाकी सिविल डिफेंस वॉलंटियर पे ऑब्जेक्शन है उस पर हम बातचीत कर लेंगे, उसको हम लॉ डिपार्टमेंट को भेज देंगे, लेकिन बसों पे से मार्शल नहीं हटने चाहिए, ये महिलाओं की सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करेगा। और मैंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को आदेश दिए कि आप अपने ऑर्डर को बदलिए और कम से कम बस मार्शल्स के तौर पे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को कंटिन्यू करने दीजिए। मैं अध्यक्ष महोदया बहुत दुख के साथ बताना चाहती हूं कि दिल्ली सरकार के अफसरों ने दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा को ताक पे रखते हुए इस आदेश को नहीं माना। हमने एलजी साहब के पास भी फाइल भेजी, मुख्यमंत्री जी ने खुद एलजी साहब को लिखा कि कम से कम बस मार्शल्स के लिए तो आप सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को कंटिन्यू करने दीजिए, हम बाकी सब मुद्दे पे बात कर लेंगे। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि एलजी साहब जो हमेशा कहते हैं मैं दिल्ली वालों की बहुत चिंता करता हूं, वो इस बात के लिए नहीं माने। और ये हजारों सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जो सालों से दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देते आए थे, आज खुद सड़क पर पहुंच गए और बेरोजगार हो गए। अध्यक्ष महोदय, आप ये मत समझिए कि दिल्ली सरकार के अफसर खराब हैं, वो अफसर बहुत अच्छे हैं, वो ईमानदार हैं, वो काम करना चाहते हैं। ये वही अफसर हैं जिन्होंने इन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को रिक्रूट किया, ये वही अफसर हैं जिन्होंने स्कीम को डिजाइन किया, ये वही अफसर हैं जिन्होंने अच्छे स्कूल बनाए, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाए, 24 घंटे बिजली दी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी और एलजी साहब इन अफसरों को डरा रहे हैं, इन अफसरों को धमका रहे हैं। मेरे साथी यहां पे बैठे हैं जो कैबिनेट के मंत्री हैं, सब आपको बताएंगे कि ये सब अफसर हमारे दफ्तर में आते हैं और उनकी आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। वो कहते हैं कि आज हमें डराया जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है कि अगर हमने केजरीवाल सरकार के साथ काम किया, आपके आदेशों का पालन किया, तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हमें सस्पेंड कर दिया जाएगा, हम पर विजिलेंस इंक्वायरी हो जाएगी। तो अध्यक्ष महोदया, ये जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को निकाला गया है, ये जो बस मार्शल्स को निकाला गया है, इसमें अफसरों की भी गलती नहीं है। इसके पीछे, और शायद यही इनके भागने का कारण है, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है और इनके एलजी साहब हैं जो अफसरों को डराकर, अफसरों को धमकाकर इस प्रकार के आदेश निकलवा रहे हैं। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूं, क्या आपको आम आदमी पार्टी से नफरत है? आपको हमसे नफरत है, आपको अरविंद केजरीवाल जी से नफरत है, लेकिन आपकी नफरत अब इतनी आगे पहुंच गई है कि आपको दिल्ली की महिलाओं से नफरत हो गई है। आपकी नफरत इतनी आगे पहुंच गई है कि इन हजारों लड़के लड़कियों से आपको नफरत हो गई है जो दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह पता होना चाहिए कि यह एक लोकतंत्र है, ये जनता का शासन है। अगर आपको आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की नीतियां ठीक नहीं लगती हैं, तो आप चुनावी मैदान में उतरिए ना, आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को चुनाव में हराइए। लेकिन इस प्रकार की घटिया राजनीति, इस प्रकार की गंदी राजनीति कि आप अफसरों को डराकर, अफसरों को धमकाकर अरविंद केजरीवाल के काम रोक रहे हैं, युवाओं की नौकरी छीन रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा छीन रहे हैं,
इस प्रकार की गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी को बंद करनी चाहिए, यह मेरा भारतीय जनता पार्टी से आग्रह है।